नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज हमारे साथ सीधी जिले के चुरहट विधानसभा से विधायक, और कहीं ना कहीं कहा जाए तो इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज से लगभग 3 दशक पूर्व यहां से चंद्र प्रताप तिवारी जी ने अर्जुन सिंह जी को हराया था, और 3 दशक के बाद सरदेंदु तिवारी जी ने अजय सिंह राहुल को हराया है। और उसके बाद इनके राजनैतिक सफर की जो समस्याएं आईं और किन चीज़ों का सामना करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। आदरणीय विधायक सरदेंदु तिवारी जी से नमस्कार। नमस्कार। हम आपके राजनैतिक सफर के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आपके दादाजी ने पहली बार हराया था अर्जुन सिंह जी को, और ऐसा माना जाता था उससे पहले कि एक गढ़ है कांग्रेस का। तो उस सफर से जुड़ी हुई कुछ यादें आपके दादाजी के साथ के जो संस्मरण हो दर्शकों को आप। देखिए, हमारा परिवार एक बहुत ही साधारण किसान परिवार रहा है। जो हमारे दादाजी थे, उनके जो पिताजी थे, वो एक साधारण से किसान थे चुरहट इलाके में, रीवा रियासत में। बहुत ही उच्च कोटि के की समझ, चपलता और विद्वता को उनकी देखते हुए उनके पिताजी ने उनको उनकी ऊंची पढ़ाई के लिए उनको लखनऊ विश्वविद्यालय भेजा था। वहाँ से गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में, फिर 1942 में छात्र जीवन में रहते हुए उन्होंने आंदोलन किया था, और जब यहाँ वापस लौटकर अपनी धरा पर आए तो यहाँ पर जो सामंतवादी व्यवस्था के तहत गरीबों पर अत्याचार हो रहे थे, आदिवासियों पर, हरिजन पर और अन्य गरीब वर्गों पर, उसके आक्रोश में उन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया था। 1952 में सीधी विधानसभा से विधायक रहे, उस समय विंध्य प्रदेश हुआ करता था। 56 तक विंध्य की विधानसभा में विपक्षी दल के नेता रहे, फिर उसके बाद अगले चुनाव में 57 में फिर सीधी से विधायक रहे, और उस समय तक में 56 में मध्य प्रदेश बन चुका था, तो वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुँचे और वहाँ पर भी विपक्षी दल के नेता रहे। 1967 तक मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्षी दल के नेता रहे। 1967 में एक भ्रष्टाचार का आरोप विधानसभा के पटल पर अर्जुन सिंह जी को ऊपर लगाया था, जो उस समय की सरकार में मंत्री थे द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी की सरकार में। जैसा हर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल प्रयास करता है कि अपनी सरकार को साफ सुथरा बताने की कोशिश करें, और उन्होंने भी ऐसा प्रयास किया और को कार्रवाई करने से इनकार किया अपने मंत्री के ऊपर, तो सदन में विपक्षी दल के नेता की और मुख्यमंत्री के बीच में 10-10 हज़ार रुपये की शर्त लगी कि अब जनता की अदालत में फैसला होगा। बात आई कि कहाँ से जनता की अदालत में जाया जाए, तो अर्जुन सिंह जी ने कहा कि मैं चुरहट से लड़ता हूँ, और यदि तिवारी जी आना चाहें तो चुरहट आ जाए। उस परिस्थिति में विपक्षी दल के नेता के नाते, इस क्षेत्र की जनता की आवाज़ के नाते, उन्होंने तय किया कि वो अपनी विधानसभा सीधी छोड़कर चुरहट जाएंगे। और फिर चुरहट में वो ऐतिहासिक मुकाबला हुआ, और उस मुकाबले में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। बाद में फिर उनका राजनीतिक सफ़र 69 में कांग्रेस में आने के बाद, जब इंदिरा जी ने समाजवाद का नारा दिया, और फिर उसके बाद 72 में सेठी मंत्रिमंडल में मंत्री रहने और सर्वोदय की अपनी यात्रा के साथ उनका जीवन फिर नई दिशा में गांधीवादी रास्ते पर निकला। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके बनाए पदचिन्हों पर यदि हम कुछ समय तक चल सकें तो हमारे जीवन की बड़ी सार्थकता होगी, जिसमें गरीबों के प्रति स्नेह था, ईमानदारीपूर्ण जीवन था, चरित्र से भरा हुआ जीवन था, अन्याय को सहन न करने की जो एक इच्छा थी उनके समय में, उसका कुछ भाग भी यदि हम लोग इस समय लेके रख पाएँ तो बड़ी उपलब्धि होगी मेरे राजनीतिक जीवन की। और कहीं ना कहीं एक नेता को जनता के द्वारा, दर्शकों के द्वारा कुछ अलग तरीके से देखा जाता है। चंद्र प्रताप जी आपके दादाजी थे, आपके साथ उनके काफ़ी अच्छे अनुभव रहे होंगे, आपने बचपन में उनके गोद पे खेला होगा, तो हम जानना चाहते हैं कि बचपन में कैसे, किस तरीके से दादाजी आपको प्रोत्साहित करते थे, या कब आपके जीवन में पहली बार ऐसा लगा कि मुझे भी दादाजी के रास्ते पे चलना चाहिए। नहीं, उनके जीवन काल में तो कभी ऐसा महसूस किया नहीं कि हमको भी राजनीति में आना है।
घर में परिवार में बड़े बुजुर्गों का अपने बच्चों के साथ, अपने पोतों के साथ जिस तरह का स्नेह होता है उस तरह का स्नेह था। बहुत कभी कोई राजनीतिक बातें ऐसी मैंने उनसे इस विषय पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। यहाँ जब कॉलेज में अपन पढ़ रहे थे, मैं रीवा स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बी कर रहा था, तब तक मैं थोड़ी समझ आ गई थी, तो कई बार जब कुछ बातें होती थी तो सुनते रहते थे। ज़्यादा बोलने का या राजनीतिक बातों पर कुछ कहने का हम लोगों की ना कभी हिम्मत हुई और ना कभी ऐसा मौका मिला कि उनसे इस विषय पर चर्चा करें। जी, कोई ऐसा राजनीतिक अनुभव जो दादाजी के समय में पहली बार आपको महसूस हुआ हो? राजनीतिक अनुभव का कह लें कि मेरे को याद है कि चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री हुए और चंद्रशेखर जी उस समय के जब समाजवादी, बड़े समाजवादी नेता थे और ग्रैंडफादर के हमारे बड़े अच्छे सहयोगी और मित्रों में थे, विनोबा जी से, लोहिया जी से, जयप्रकाश जी से, ये सब लोग प्रभावित थे। तो मुझे याद है कि हम लोग गांव में थे, उस समय मेरी स्कूलिंग ख़त्म ही हुई थी, आठवीं नौवीं दसवीं का मामला था। तो चंद्रशेखर जी ने इनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की थी और जो कलेक्टर थे सीधी के, क्योंकि प्रधानमंत्री का संदेश आया था, तो हमारे घर के सामने वो 8 घंटे तक इंतज़ार करते रहते और हम लोग गांव में थे, फ़ोन की ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तो हम जब शाम को लौटे तब पता चला और उस समय बात हुई और शायद ये था कुछ बात करना चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो बात हुई और कुछ राजनीतिक बातें रही होंगी। तो इनने, ग्रैंडफादर ने हमारे कहा कि चंद्रशेखर जी अब हमने राजनीति से संन्यास ले लिया है और हम गांधीवादी लाइन में, सर्वोदय में हैं, अब आप नए लोगों को ढूंढें और नए लोगों के माध्यम से काम करें। ऐसा मुझे समझ में आया। बहुत सारे लोगों ने घर में और हमारे से जुड़े लोगों ने कि इस समय कहीं राज्यपाल बना रहे होते या कुछ करें, मुझे बात नहीं मालूम क्या है, लेकिन लोगों की इस तरह की चर्चाएँ थी। उस तरह से राजनीतिक विरक्ति और एक लंबा राजनीतिक जीवन जीने के बाद अपने को जनता की सेवा में अंतिम समय तक गांधीवादी रास्ते से समर्पित करना, ये एक अनुभव उनके साथ रहा है। और इसके साथ ही साथ राजनीति में परिवारवाद को लेकर के कई बार मुद्दे उठाए गए हैं, कई बार चीज़ें काफ़ी आगे तक गई हैं। आपके दादाजी राजनीति करते थे, आपके पिताजी फिर गैर राजनीतिक व्यक्ति हुए और आप अब फिर राजनीति कर रहे हैं। अगर हम बात करें इन चुनावों की, जो पिछले चुनाव हुए, तो इसमें एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के व्यापक विरोध था भाजपा के खिलाफ, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री महोदय जब जन आशीर्वाद यात्रा में आए थे तो उनके खिलाफ भी काफ़ी नारेबाजी की गई थी। तो ऐसी विकट परिस्थितियों में कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने आपको विजयी बनाया? देखिए, यह सही है कि एक अच्छे राजनीतिक परिवार का जो त्याग समर्पण का भाव रहता है उसमें उनकी पीढ़ी, अगली पीढ़ी राजनीति में नहीं जाना चाहती। मेरे ग्रैंडफादर जब आंदोलन के दौरान जेल में थे तब उनके एक पुत्र की मृत्यु हुई थी, तो निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से घर के लोगों का राजनीति में जाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे पिता न्यायिक सेवा में थे और उन्होंने पूरा अपना जीवन एक जज के रूप में बिताया, बाद में मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त रहे। मेरा भी कोई राजनीति में आने का इरादा नहीं था। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, जैसे हर युवा नौकरी करना चाहता है, अपना काम करना चाहता है, तो मैं भी उसी दिशा में था, रिलायंस में नौकरी कर रहा था। अब ये किस्मत को मंजूर था, नियति का लेखा था, तो 2008 से राजनीति में आना हुआ। यहाँ मैं सामाजिक कार्य करना मैंने शुरू किया और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती चली गईं कि फिर मैं राजनीति में आ गया। चूँकि एक राजनीतिक परिवार से था तो लोगों का लगाव भी उस हिसाब से हुआ, स्नेह भी मिला, आशीर्वाद भी मिला। और पहली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से आप विधायक पद के प्रत्याशी थे, तीसरे नंबर पर रहे थे, दूसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर, तीसरी बार आप विधायक बने, तो इस दौरान के थोड़ा सफ़र के बारे में थोड़ा बात करें। मैंने पहले भी निवेदन किया, 2008 में मेरा राजनीति में आना हुआ और यह कोल आदिवासियों के बीच में सामाजिक कार्य की इच्छा के वजह से आना हुआ। मैंने देखा था कि हमारे यहाँ जो गरीब आदिवासी हैं वो बहुत ही विकट परिस्थिति में रह रहे थे और उनकी एक जो सामान्य मनुष्य की ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो रही थी।
मन में सहज एक इच्छा पैदा हुई कि इनके बीच में कुछ काम करना चाहिए, राजनीति करना है या चुनाव लड़ना है, ऐसा कभी सोचा नहीं था जी। उस दिशा में धीरे धीरे काम करने लगे और चूंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से था तो लोगों के रिएक्शन होने लगे। वास्तव में रिएक्शन ने मुझे एक्टिव राजनीति में भेज दिया। और जब रिएक्शन होने लगे और जब आप कोई भी कार्य करें तो आपके साथ एक टीम जुड़ जाती है, कुछ लोग जुड़ गए, उनका उन लोगों की बातें होने लगी, उन्होंने कहा साहब राजनीति में आना चाहिए, लोगों के लिए लड़ना चाहिए। चूँकि आदिवासियों का मूवमेंट था और उस समय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आदिवासियों के मूवमेंट को लेकर काफ़ी आगे थी और मैं उस दिशा में काम कर रहा था, उनने मुझसे अप्रोच किया और बोला कि हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ से हमसे चुनाव लड़ें। मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, मेरा चुनाव लड़ने का मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं अपना जो सामाजिक कार्य है उसमें आप सबकी मदद करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हमारे मूवमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप चुरहट से चुनाव लड़ें, क्योंकि चुरहट में हमारे पास कोई मूवमेंट को ताकत देने वाला आदमी नहीं है और यदि इस क्षेत्र में ताकतवर बनना है तो चुरहट से लड़ना है। इस नाते में अचानक गोंडवाना में मेरा जाना हुआ। बाद में मुझे चुनाव के कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रयास किया कि मैं उनके साथ आ जाऊं, लेकिन चूंकि अब मैंने एक जगह वचन दे दिया था और एक जगह मेरी बात हो गई थी तो वह चुनाव मैंने फिर गोंडवाना से लड़ा। पर बाद में देखा कि अब चूंकि राजनीति में आ गए हैं और राजनीति में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक सामाजिक मूवमेंट था, उसमें राजनीतिक जो टच होना चाहिए, राजनीतिक सोच होना चाहिए, वो थोड़ा कम थी। बाद में शिवराज सिंह जी ने मोटिवेट किया और भी कई लोगों ने कहा, मेरे मित्रों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, पिछला चुनाव लड़े, कुछ मतों से रह गए, इस बार चुनाव में परिणाम अनुकूल आए। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आपके क्षेत्र की समस्याओं की, ये क्षेत्र भले ही अर्जुन सिंह जी का पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र रहा है और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी का क्षेत्र रहा है, उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी सारी समस्याएं हैं। और निश्चित तौर पे जनता अगर किसी दूसरे व्यक्ति को अवसर देती है तो कुछ चीज़ों से वो जब झेलती है, कुछ चीज़ों से समस्याओं को झेलना पड़ता है उसे, तब वो किसी दूसरे व्यक्ति को चयनित करती है। तो आपके क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएँ आपने महसूस की और जिन पर आप काम कर रहे हैं उस समस्या के बारे में? देखिए, आश्चर्य की बात है कि सीधी जिले का चुरहट क्षेत्र हमेशा से महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि विंध्य क्षेत्र में यदि सबसे अधिक राजनीतिक जागरूकता किसी विधानसभा में है तो मैं उसमें चुरहट को नंबर एक पर रखता हूँ। यहाँ का साधारण व्यक्ति भी राजनीति की ABCD समझता है और शायद ये डर मेरे पूर्ववर्ती नेताओं को रहा होगा जो कांग्रेस के थे, अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़ा आदर करता हूँ, केंद्रीय मंत्री भी रहे और मेरे खिलाफ, मैंने जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा था वो भी बड़े नेता रहे, अजय सिंह जी विपक्षी दल के नेता रहे, लेकिन शायद ये जागरूकता ही कहीं ना कहीं आड़े आई थी कि ये हमेशा प्रयास किया जाता रहा कि गरीब गरीब रहा आए, जो जिनको जिनके पास सामान कुछ व्यवस्थाएं नहीं हैं वो ना रहने पाएँ, क्योंकि यदि एक बार उनके पास सब हो गया तो शायद वो हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे। यह सोच ही वास्तव में हमारी लड़ाई का, इस क्षेत्र की लड़ाई का, राजनीतिक लड़ाई का मुख्य मूल रही है और यही इसी को मैं सामंती सोच कहता हूँ। वास्तव में हमारे यहाँ अच्छी शिक्षा होनी चाहिए थी, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी होनी चाहिए थी, विकास के और बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी। पिछले 15 वर्षों में जब से शिवराज जी की सरकार मध्य प्रदेश में आई थी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमारे यहाँ के किसानों ने पहली बार नहर का पानी देखा। बाण सागर सुनते थे, बाण सागर का पानी नहीं था, पहली बार पानी आया और किसानों की स्थिति सुधरी, खाद के लिए समस्याएं ख़त्म हुई, हमारे यहाँ के युवाओं को भी मेघावी छात्र योजना में लाभ मिले, बहुत सारे लोगों ने स्वरोजगार शुरू किए हैं, सड़कों की स्थिति सुधरी है, हर क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों में काफ़ी काम हुआ, जबकि विधायक भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। अब इस बार मैं देख रहा हूँ कि मैं विधायक बनाऊँ लेकिन कांग्रेस की सरकार का पूरे प्रदेश में ही कहीं भी विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है,
बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी बातें विधानसभा में भी और अन्य जगह भी मैंने विकास के संबंध में लगाए हैं। बड़े प्रयास के बाद मुझे कुछ सड़कें और अन्य चीज़ें मिल रही हैं। हमारे यहाँ मेरा प्रयास है कि कठिन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा हॉस्पिटल या ट्रामा सेंटर हमारे यहाँ रहे, क्योंकि रीवा आना पड़ता है संजय गांधी हॉस्पिटल में, यहाँ उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, संख्या कम है डॉक्टर्स की, स्टाफ कम है, लोड बहुत ज़्यादा है। तो हमें भी वहाँ सुविधा मिल जाए, क्योंकि एक दो घंटा डेढ़ घंटा वहाँ से यहाँ आने में लगता है और इतने में सीरियस पेशेंट्स की मृत्यु हो जाती है। अच्छा कॉलेज भी हमको चाहिए। कुल मिला के शिक्षा और स्वास्थ्य मूल है। यदि शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उस क्षेत्र का विकास अपने आप होगा। अच्छे अधिकारी हमारे यहाँ नहीं आना चाहते, क्योंकि उनके बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं है। अच्छे डॉक्टर्स नहीं रुकना चाहते, क्योंकि वहाँ स्कूल कॉलेज नहीं है। जो नवोदय विद्यालय और मॉडल स्कूल हैं उनके हाल बुरे हैं। कभी भी जन उपयोगी और जन विकास के कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। दुखद था, मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने प्रयास नहीं किया। अब मुझे भी ऐसा समय मिला कि जब सरकार हमारी नहीं है, शायद शिवराज जी की सरकार होती तो मैं पिछले 30 साल की जो कमियां थी उसको इन दौरान पूरा करने की कोशिश करता। और अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र में चुनाव हुए, काफ़ी लंबे समय तक सियासी उठापटक चलती रही, और कहीं ना कहीं अगर मैं एक व्यक्तिगत पत्रकार के तौर पर बात करूं तो इस तरीके के सियासी घमासान नहीं होने चाहिए थे। ये राजनैतिक नैतिकता के पतन का भी एक उदाहरण कहा जा सकता है। किस तरीके सरकार बनानी है, हॉर्स ट्रेडिंग जैसी चीज़ें भी सामने आती हैं, आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर चला, फिर राज्यपाल के फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग गए, तो इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है? देखिए, महाराष्ट्र में जो हमारा जो हमेशा नैतिक बल रहा है और हमने जिस लाइन पे काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका पालन हमने महाराष्ट्र में किया था। मध्य प्रदेश में हमसे 4 सीटें कमलनाथ जी को ज़्यादा मिली थी, कांग्रेस को ज़्यादा मिली थी। हमने सबसे बड़े दल के रूप में अपने को पीछे किया कि भाई सबसे बड़ा दल वो हैं, वो सरकार बनाने के लिए आगे आए। यही बात महाराष्ट्र में भी थी, हम सबसे बड़े दल के रूप में आए, हमारे गठबंधन को जनता ने वहाँ सरकार के लिए बनाने के लिए चुना। जो एनसीपी का गठबंधन था, एनसीपी के विधायक दल के नेता जो उस समय चुने गए थे, उन्होंने हमको समर्थन देने की बात कही और उस आधार पर हमने राज्यपाल से अनुरोध किया कि हम सरकार बनाएंगे। राज्यपाल ने हमें निमंत्रण दिया। बाद में फिर क्या खरीद फरोख्त हुई, क्या हॉर्स ट्रेडिंग हुई, उस पर चूंकि हमारा विश्वास नहीं है और नई सरकार आज अस्तित्व में है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता की लालच में जनता के मैंडेट को धोखा दिया गया है, ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। जब चुनाव लड़ने की बारी थी तब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। यदि आपको यही करना था तो आपको पहले ही कांग्रेस और एनसीपी से सहयोग कर लेना था, हम स्वतंत्र लड़ लेते। पिछली बार हम स्वतंत्र लड़े थे तो इससे ज़्यादा सीटें मिली थी। इस बार भी यदि हम सभी सीटों पर लड़ते तो हमारी स्पष्ट सरकार आती, क्योंकि जनता ने वहाँ वोट मोदी जी को दिया है, जनता ने वहाँ वोट देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार को दिया है, जनता ने वहाँ वोट शिवसेना को नहीं दिया है। यह बात पार्टनरशिप में रहते हुए शिवसेना को समझ में नहीं आ रही थी। अब सरकार बहुमत आ गया है, परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि सीटों का ऐसा वो बन गया कि अब गठजोड़ दूसरे से बना के और मुख्यमंत्री की कुर्सी की लालच में वहाँ लोकतंत्र के साथ धोखा किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी का बड़ा आरोप है कि शिवसेना ने विरोधी विचारधारा के व्यक्तियों के साथ मिल करके सरकार बनाई है, एनसीपी के बारे में विशेष तौर पे अजीत पवार के बारे में देवेंद्र फडणवीस जी का 2014 का एक बयान काफ़ी वायरल हुआ इन दिनों कि चक्की पेसिंग 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 में हमारी सरकार आने के बाद 5 साल देवेंद्र फडणवीस जी ने सरकार चलाई, लेकिन अजीत जी के ऊपर कोई भी ऐसा मुकदमा या ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाई, और फिर उसी विरोधी विचारधारा के साथ बीजेपी भी सरकार बनाने को लेकर के प्रयासरत थी, तो कहीं ना कहीं ये एक ही जैसी बातें हो जाती हैं दोनों तरफ से। देखिए, सरकार तो बनानी है, लोकतंत्र में यदि चुनाव हुए हैं तो पुनः बहुत खर्चा होता है चुनाव में। चुनाव में फिर से जनता को ले जाना ठीक नहीं है,
और यह मानते हुए चूंकि एनसीपी के विधायक दल ने हमें समर्थन दिया था, उनके नेता ने लिखित में पत्र दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था। हम तो पहले 5 साल सरकार में रहे हैं, केंद्र में सरकार रहे हैं, हमारी ऐसी कोई वो नहीं थी। पहले नहीं तो हमको बनाना होता तो हम पहले ही दिन बोल देते, हम बहुत दिन तक विधानसभा को राज्यपाल ने सस्पेंड रखा था। फिर जो आप कह रहे थे कि ऐसे दलों का गठजोड़ जिनकी नीति नहीं है, वास्तव में यह जो गठबंधन है यह बेमेल गठबंधन है, यह गठबंधन नीति विरोधी है, यह इनकी सबकी नीतियां एक दूसरे को काटती हैं। एक हिंदुत्व की बात करते हैं तो दूसरों का छद्म धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, एक जातिगत आधार पर मराठा के नाम पर जीत कराए हैं, विचित्र सी स्थिति है। और यह कब तक रहेगा, कब तक चलेगा यह गठबंधन, यह भी अभी पूरे तौर पर नहीं कहा जा सकता। मैं तो एक शब्द कहूँगा, यह गठबंधन नहीं गुटबंधन है, और यह गुटों की सरकार है। कोई ठाकरे गुट तो पवार गुट तो अन्य कांग्रेस के गुट, उनमें भी गुटों पे गुट, तो ये गुटों का एकत्रीकरण है, और गुटों का एकत्रीकरण कभी जनता को अच्छी सरकार नहीं दे सकता। और इसके साथ अगर इन दिनों की बात करें तो पिछले दिनों हैदराबाद में एक डॉक्टर प्रियंका के साथ दर्दनाक हादसा हुआ, उन आरोपियों को पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में मार गिराया गया, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के भी कुछ लोग के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस के इस कार्रवाई का काफ़ी समर्थन भी लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, डॉक्टर प्रियंका के साथ जो घटना हुई वह हमारे समाज के विकार को बताती है। बहुत ही तकलीफदेह है, बहुत ही पीड़ादायक वह घटना थी। एक सभ्य समाज में ऐसी कल्पना करना कठिन है, लेकिन उसके बाद आम तौर पर समाज में जो सीधी प्रतिक्रिया आती है वो वही आती है कि इनको कठोर दंड देना चाहिए, कठोर निर्णय इस विषय पर होने चाहिए। कानून भी इस विषय पर बनाए गए हैं। हमारे मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले में फांसी के बारे में कानून में प्रावधान करवाया था। देश की संसद में भी इस विषय पर बहस हो रही है। बड़े सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है, लोगों की सोच इसमें बदले इसकी ज़रूरत है। मैं ये मानता हूँ कि जो उसका जिस तरह से घटनाक्रम वहाँ हुआ है, ऐसी छूट पुलिस को नहीं दी जा सकती है। हम सभ्य समाज में रह रहे हैं, जो दुष्कर्म करने वाले लोग हैं उनको सजा देने की व्यवस्था हमारे संविधान में है, या देश संविधान से चलता है, और उसमें अब तो फांसी की भी व्यवस्था हो गई है। कई बार समय लगता है, वास्तव में डिले इन जस्टिस इस तरह की उतावलेपन का मुख्य कारण होता है, और हमें सामंजस्य की आवश्यकता है। गंभीरता से इस विषय पर मैं समझता हूँ नीति निर्धारक विचार करेंगे, और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसकी शिक्षा लोग बच्चों को शुरू से स्कूल समय से दी जाए, ताकि ऐसे घृणित कृत्य करने से लोग परहेज करें। अभी आपके विधानसभा क्षेत्र चुरहट में भी एक शिक्षिका के साथ 4 लोगों ने मिलकर के गैंग रेप किया, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ भी लिया है, तो आपके क्षेत्र में महिला सुरक्षा को लेकर के आपके द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में आप बताइए, किस तरीके से महिला सुरक्षित महसूस कर सकती हैं? देखिए, यह मेरे क्षेत्र की पहली घटना, मैंने अभी बहुत दिनों बाद जब से मैं राजनीतिक जीवन में आया, मेरे क्षेत्र में ऐसी स्थितियां नहीं हुआ करती थी। इसमें 2 लोग कहीं बाहर के भी थे, 2 जो पकड़े गए हैं मुलजिम वो कहीं बाहर के भी हैं। मैं उस बिटिया से भी मिल के आया हूँ, और उस बिटिया की पीड़ा ने मुझे अंदर तक आहत भी किया है, लेकिन ये कोई रामपुर नेकिन बस की समस्या नहीं है। आप देख रहे हैं इंदौर में क्या हुआ, अभी भोपाल में छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, इंदौर में हुआ। वास्तव में कमलनाथ जी की सरकार जिस तरह से ट्रांसफ़र उद्योग में लगी हुई है, और जिस तरह से थानों की कीमतें तय कर दी गई हैं, उससे आम जन में कानून का डर ख़त्म हुआ है, और उस डर को ख़त्म होने का ये परिणाम है कि जो ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं इस तरह के कृत्यों में संलिप्त हो रहे हैं।
महिला अत्याचार में यह प्रदेश आज काफ़ी आगे निकल गया है। मैं कहीं देख रहा था नंबर एक या नंबर दो में है। अन्य तरह के जितने अपराध हैं उनमें सब में हमारे यहाँ बढ़ोतरी हुई है। अभी यहाँ सतना के पास में अपहरण छोटे दो दो बच्चों का, श्रेयांश और प्रियांश का, और उनका हत्या हो गई है। डकैतों ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। वास्तव में पूरी की पूरी कानून व्यवस्था इस सरकार में चौपट हो गई है। इस तरह का जो कृत्य है उसकी मैं भारी निंदा करता हूँ, बहुत घृणित कृत्य है, और मेरा प्रयास रहेगा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन कहीं ना कहीं सर, ये किसी एक स्टेट की किसी एक विधानसभा का मामला नहीं है। हम हैदराबाद में देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं, जहां पर बीजेपी के एक विधायक जी के ऊपर भी संगीन आरोप लगे हुए हैं। उसके साथ पीड़िता के साथ भी कई बार जो चीज़ें घटित हुई जो संदेह को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ऐसा है कि ये सामाजिक परिवर्तन के बिना संभव नहीं है। और अगर हम यहाँ पर एक राजनैतिक पृष्ठभूमि तलाश करते हैं तो ये बहुत ही दुखद है एक सामाजिकता को देखते हुए। देखिए, अपराधी कोई भी हो उसको कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए, चाहे किसी से भी जुड़ा हो। राजनीति में चाहे कोई भी दल हो, उसमें जो लोग आते हैं वो समाज से ही आते हैं। जब तक समाज को हम पूरा ठीक नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के लोग आपको सब दलों में सब जगह मिलते रहेंगे। ये कोई दली बात नहीं है इसमें। पर जो नीतियां हैं वो प्रशासन की या सरकार की कठोर होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, वास्तव में जब पढ़ाई की शुरुआत होती है वहाँ से बच्चों को अच्छे और बुरे का भेद होना चाहिए। अभी तो कुछ नई शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया है, बच्चियों को ये सिखाना शुरू किया है, बच्चों को ये सिखाना शुरू किया है कि क्या बैड टच होता है, क्या गुड टच होता है। तो ऐसी बहुत सारी के सुधार शिक्षा व्यवस्था, समाज के सामाजिक व्यवस्था के सम्मिलित प्रयास से ही संभव है। अपराधी कई बार विचित्र रूप रखकर विचित्र तरीके से लोगों के बीच आते हैं। अब किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं होता कि वो अपराधी है। कई बार नेताओं के साथ जाकर फोटो खिंचा लिया, उसी को फिर लोग बाग वायरल करने लगते हैं। कुछ बातें अपने यहाँ जैसे मीडिया ट्रायल है, मीडिया ट्रायल भी बहुत अचानक बहुत जल्दी होता है और उसका उससे एकदम से समाज में उद्वेलना आ जाती है। बहुत सारे भाग हैं जो धीरे धीरे सबको हमको ट्रेनिंग उसके लिए लेने की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम जिस समाज में रह रहे हैं और इतना बड़ा समाज है, जो विकार हैं उनकी संख्या में कम पाता हूं और ये मुझे सकारात्मक लगता है। धीरे धीरे ये समाज अपने को सुधार लेगा। हिंदुस्तान ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारे इस तरह के अपराधों को भी इससे भी निपटे हैं। हम अच्छा करेंगे और हमारा देश इस तरह के अपराधों से मुक्ति पाएगा। अंत में एक सवाल आपसे और है कि भारतीय कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा मामले अभी भी पेंडिंग हैं। और 2012 में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई थी, निर्भया कांड। अभी पिछले दिनों की बात है, पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपियों को फांसी देने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया है क्योंकि उन आरोपियों में से एक ने दया याचिका राष्ट्रपति के पास डाली हुई है। तो आपको क्या नहीं लगता कि दया याचिका जैसे मुद्दे, ऐसी लचीलापन कानून व्यवस्था में नहीं होना चाहिए? इस बात को लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृहमंत्री अमित शाह जी से आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, उसका देखिए, ये जो हमारे यहाँ कानून है, आईपीसी है, उसमें दया याचिका की बातें हैं, ये सब किसी न किसी कारण से हैं। ये तो एक पार्ट है जिस पर आप बात कर रहे हैं। पर मान लीजिए कोई ऐसा मुकदमा हो जिसमें प्रेग्नेंट हो महिला, उसको आपने फांसी दे दी हो, उसको तो उसके साथ एक और जीवन है, तारीख जिस दिन तय है उस दिन वो उसको फांसी हो जाएगी, तो उसके साथ एक और जीवन तय है, हमें उस जीवन को बचाना है, तो इसलिए ये दया वाला भाग। आमतौर पे दया का अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि वो सजा कम करके उनको छोड़ देंगे। कोई भी मैंने तो अभी अपने यहाँ किसी भी राष्ट्रपति को फांसी की सज़ा में बहुत ज़्यादा लीनियंट या दया करते हुए नहीं देखा है। कोई नाबालिग है, कोई जो मैंने विशेष मामला बताया, कोई ऐसा वृद्ध है, मतलब ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए यह कानून बनाया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पहले भी कहा था, डिले इन जस्टिस मीन्स डिनाइड जस्टिस। और
ऐसी स्थितियां अपने यहाँ हैं, न्याय व्यवस्था में स्पीड कम है, उसमें तारीखें बहुत हैं, इसको सुधार करने की ज़रूरत है। हमें जजेस की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। हाई कोर्ट्स में जितने जजेस की ज़रूरत है उतने जजेस की नियुक्ति नहीं है, लोअर कोर्ट्स में नियुक्तियां नहीं हैं। जब जज की संख्या कम है तो निश्चित रूप से हमको डिले का सामना करना पड़ता है, और भी कई तरह का टेक्निकल पार्ट है उसमें जिसके वजह से कुछ डिले होता है। हम इसको तीव्र कैसे करें, इस दिशा में सोचने की ज़रूरत है। कोई नए तरीके के वो करके, उपयोग करके नया तरीका अपना कर और हम फास्ट करें जैसा मुस्लिम कंट्रीज में होता है, ऐसा मैं उचित नहीं समझता हिंदुस्तान के लिए। आपने द खबरदार न्यूज़ को अपना मूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत सारी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चुरहट विधायक सरदेंदु तिवारी। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।